बराबर रात के 3 बज गए। घड़ी मेरी ये कौन है? ये क्या? उधर बहुत आवाज है। रिजाइज है वी रिजर्वर हुए क्या आसपास? अभी वो क्या है? साए वाए दिख रहे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे रात के 2:30। मैं अभी उठा हूँ और आज हम वो चैलेंज करने वाले नींद खुली तो सोचा कि करूँ कि नहीं करूँ। आप देख सकते हो कि रोड तो पूरा सुनसान हो गया, रात के 2:30 बज गए। तो लेकिन हमें तो करना है चैलेंज, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं करूँगा कुछ ना कुछ। पिछले वाले व्लॉग में तो यही करने वाला था। अभी ये मेरे भाई लोग भी मेरे साथ करने वाले थे। ए उठ रहे भैया, आने चलो, उठो आकाश उठ। तो अभी मैंने इन लोग को उठा दिया है और हम लोग का सामान वगैरह प्रिपरेशन है। यहाँ पे ये आईना है और मोमबत्ती कहाँ रखी है? मोमबत्ती माचिस निकल। तो अभी हम लोग कर रहे प्रिपेयर, 2:30 बज गए। 3 बजे बराबर हम वो करने वाले हैं और देखने वाले कि कुछ आएगा या नहीं। तो सबको रिस्क पता है ना क्या होगा। तो अभी बजे रात के 2:45। हम लोग की तैयारी तो हो गई है पूरी, लेकिन डर लग रहा है। मेरे भाई बोल रहे एक बार फिर से सोच ले क्या करना है। कुछ नहीं, कुछ आएगा तो वो बोल रहा है मैं पहले उधर से भाग जाऊंगा। ये लोग मुझे छोड़ के भागने वाले गाइस, अगर आपको ये वीडियो दिख रहा है तो समझ जाना मैं जिंदा हूँ। तो कुछ ना कुछ शॉर्ट हो गया। तो प्रिपरेशन हो गई है, मिरर है, तो पहनते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। सारे कैसे दिख रहा हूँ गाइस, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है व्हाट्सएप, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मैं हम लोग हमारी जान जोखिम पे लगा रहे इस चीज के लिए। सो अभी सिर्फ 2 मिनट बाकी है 3 बजने के लिए। ये मैंने पेन बंदी ले ली है, उसको हम लोग जला देते हैं। अभी बज गए 3:01। आप देख सकते हो बराबर रात के 3 बज गए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, कुत्ते भौंकना स्टार्ट हो गए गाइस। मेरे आंग पे काटा आ रहा है, ये देखो। अब तीसरी बार बोलूं कि नहीं, लड़ी मेरी ये। कुत्ते भौंकना स्टार्ट हो गए गाइस। ओ भाई साहब, ये क्या सीन है ब्रो? हाँ, हम लोग आ गए रोड पे। हम लोग जैसे ही रोड पे आए, देखो आप सुन सकते हो, वो लोग भौंकना ही बंद कर दिए।
भाई साहब रोड पे पूरा सुनसान है, अब देख सकते हो उधर बहुत आवाज है। रिजाइज है फिर रिजर्वर, वहां पे कुआ है गाइस, मेरी फट रही है क्योंकि सुना है वहां पे कोई तो रहता है वो कुएं के इधर। चल चल देखते हैं ब्रो। ये कौन है, ये क्या है? मुझे डर लग रहा है गाइस, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मैं हम लोग के घर वालों को पता चला ना कि हम लोग ऐसे कुछ कांड कर रहे हो, देखो कुत्ते भाग रहे हो वहां से पहले, अगर हम लोग के घर वालों को पता चला हम लोग ऐसे कुछ कर रहे हैं तो हम लोग को बहुत मारेंगे सुबह। चलो गाइज हम लोग कुएं की तरफ जाके देखते क्या सीन है। यहाँ पे कुआ है, वहाँ पे बहुत कुत्ता रखे रहते, तुम देखते हो तुम आ जाओ देखते वहाँ पे क्या सीन है। कुएं में तो कुछ दिख नहीं रहा है गाइज, कुएं के आसपास अभी वो क्या है भाई साहब, यहाँ पे अलग अलग तरह के साए दिख रहे हैं, साए वाए दिख रहे। जैसे ही मैंने वो रिचुअल का सेकेंड लाइन बोला कुत्ता भूखना स्टार्ट हो गया भाई साहब, बहुत गंदा सीन था गाइस। मेरे को पता नहीं अभी मुझे रात में नींद भी लगेगी यानी कुत्ते रुक ही नहीं रहे भूखना भाई, खतरनाक सीन है भाई। मैं अगली बार ऐसे कुछ नहीं करूँगा, मेरा एक भाई तो आया भी नहीं है अभी नीचे। चुप रे बाबा, चलो घर पे चलते हैं गाइस। मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि मुझे कुछ साया दिखा था वो कुएं के इधर। चलिए चलो, मेरा भाई दरवाजा लगा के सोया या क्या कर रहा है पता नहीं, डर गया लगता है वो, देखते हैं उसकी क्या सिचुएशन है। आ जाओ घर वाले यहाँ पे सोए, उनको समझा लो हम लोग रात में आए थे, बहुत मारेंगे गाइस। चलो चुपचाप चलते इधर पहले ही घर पे, सब लोग डरते हैं भूत से बहुत डरते। चले देखते मेरे भाई की क्या सिचुएशन है। मोबाइल यूज कर रहा, डर नहीं लग रहा तुझे? तो कुत्ते भोंक रहे भाई साहब, इसको तो डर नहीं लगा लेकिन मुझे बहुत डर लगा, और हम लोग बहुत डर है लेकिन बाहर जाके देखा मुझे वो कुएं के यहाँ पे कुछ तो साया दिखा गाइस, सच कह रहा हूँ। तो पता नहीं था क्या था कुछ था, अभी आज रात में क्या होगा वो भी नहीं पता। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस रिस्क को लेने के लिए मुझे प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और वो बेल का आइकन है ना उसको जोर से दबाओ। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ऐसे ही कुछ अतरंगी चैलेंज के साथ।